आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टावर वेगन के मोटर कट आउट स्विच के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को पुश कर दे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए टावर वेगन मोटर कट आउट स्विच, अगर हमारे टावर वेगन में अगर कोई कारणवश एक मोटर ख़राब हो जाता है तो उसको हम बाईपास यानी कटअप कैसे करेंगे, तो इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो हमारे कैफ वन में ये सिस्टम लगा हुआ है ड्राइवर डेस्क के जस्ट पीछे में, ठीक है। ये मोटर कटअप स्विच लगा हुआ है। मोटर कटआउट स्विच जो है हमारा, देखिए एक और तीन एक स्विच में लगा हुआ है, दूसरा में दो और चार दूसरा में लगा हुआ है। तो पहले एक और तीन देखिए और उसके बाद देखिए दो और चार। अभी मेरा जो स्विच है वो नॉर्मल ऑल इन में है, यानी कि हमारा चारों मोटर भी काम कर रहा है। ये सीधा स्टेट में रहेगा तो मेरा चारों मोटर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक मोटर को काटेंगे, तो कैसे काटेंगे देखिए। अभी हम एक नंबर मोटर को काटेंगे तो ऐसे घुमाएंगे तो मेरा मोटर कट जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये आगे वाला फेसिंग पॉइंट, ये अगर एक काटना है तो एक की तरफ इधर घुमा देंगे इसको, तो रोटरी को स्विच को, तो वो एक नंबर मोटर हमारा कट जाएगा। अगर तीन मेरा ख़राब है तो तीन की तरफ घुमा देंगे तो वो कट जाएगा। अगर चार में प्रॉब्लम है तो चार की तरफ घुमाएंगे तो वो मेरा कट जाएगा। एक की तरफ घुमाएंगे तो एक की तरफ कट जाएगा, जिधर घुमाना है उधर कट जाएगा, ठीक है। देखिए ये दो और चार है, एक एक स्विच में है, एक एक अथी में है और एक में है आपका एक और तीन, ठीक है। इसमें से जो प्रॉब्लम हो वो आप मोटर को काट सकते हैं और आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं सेक्शनल स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए एक नंबर मोटर को मैं काट दिए, देखिए कट गया एक नंबर हमारा, आप मोटर काम कर रहा है। देखिए तीन नंबर काटे मोटर, अब मेरा भी काम करेगा एक चार और दो, ठीक है। तो इस तरह से आप मोटर काट सकते हैं। दूसरी बात, एक और पॉइंट इसी वीडियो में है, एक है लोकल और रिमोट। गाड़ी दो तरह से स्टार्ट होता है, लोकल और रिमोट, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे लोकल और रिमोट में गाड़ी स्टार्ट करने का। अभी हमारा रिमोट में गाड़ी स्टार्ट होता है जो कि हमारा पैनल से होता है, स्विच से होता है, ठीक है। ऊपर से ही स्टार्ट होता है, कैप वन या कैप टू से स्टार्ट कर सकते हैं जो होता है रिमोट में। अभी देखिए हम गाड़ी को लोकल में कर दिए, लोकल में करने के बाद क्या होता है कि हम गाड़ी ऊपर से डैशबोर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लोकल में करने के बाद नीचे में जा करके एक स्विच है उसको पहले स्टार्ट टू रेडी में डालेंगे, रेडी में डालने के बाद आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं नीचे से, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ मिला, एक मोटर कटआउट स्विच और एक रिमोट और लोकल में स्टार्ट करने का तरीका मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए लोकल और रिमोट के बारे में भी जानकारी हो गया और मोटर कटआउट स्विच के बारे में भी आपको जानकारी दे दिया। तो अगर ये वीडियो हमारे लिए अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ में शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन को पुश भी करना है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।